बहुत समय से खामोशी का एक राज चला है और उसमें 650 गांव जा भी जा सकता है, ये पूरा इलाका को खाली कर दिया है क्योंकि उन जमीनों को पर नजर है सरकार की कंपनियों में बांटे। तो जो वहाँ के रहने वाले जो मूल निवासी आदिवासी है उनको आतंक के माध्यम से, सर्वाचुनक के माध्यम से, विधान के माध्यम से, किसी को माओवादी कहकर अलग अलग तरीके से मार के बलात्कार करके भगा दिया गया। मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा संकट है, वेरी बिग पॉलिटिकल क्राइसिस, कि एक पूरा प्रदेश के इतने बड़े संख्या में लोगों को आज उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और दूसरी जगह भाग के रहना पड़ रहा है। और ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो है ये उसकी पूरी इनॉर्मिटी और पूरी एंटायरिटी के साथ कभी प्रकट नहीं हुआ है इस देश के बीच में। और जो लोग इस बात को उजागर करते रहे हैं, मसलन हम हिमांशु जी वहाँ आश्रम चलाते रहे हैं तो उनका आश्रम को तोड़ दिया, तो ये जो है इस देश में नहीं चल सकता है, हमारे नाम पर नहीं चल सकता है। तो इसलिए आज देश भर के जन संगठन, महिला संगठन, महिला आंदोलन हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, आगे हमारी ताकत और बढ़ेगी और ये सरकार की ये जो तानाशाही पूर्ण कार्य है इसको हम चुनौती देंगे। आज मोहन सिंह को इतना चुभा कि 1.5 घंटे तक उसके छत्तीसगढ़ सदन के सामने कुछ लोग जो अपने विवेक से वहाँ धरना दे रहे थे, वहाँ आवाज उठा रहे थे, उनको दिक्कत हो गई उससे, पुलिस लगा के अटकाया। जब दूसरे लोग दंतेवाड़ा जाना चाहते हैं या बस्तर जाना चाहते हैं तब जब वो भगा देते हैं लोगों को, बस से उतार देते हैं, एक बार 40 औरतों को उतार दिया बस से, जा रही थी टैप कर देंगे, तो ये अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि आगे ही बढ़ता जा रहा है, आपने गांव खाली कर दिया, आपने सर्वाजुड़ा को कर दिया, अब जो पहले विनायक को आपने बंद कर दिया, अब वहां के आदिवासी आवाज उठने लगे, अब सिर्फ जो कोई इलेक्शन मध्यम वर्ग के यही नहीं, आज आदिवासी आवाज उठ रहा है, सॉरी सॉरी का आवाज आदिवासी आवाज। और दहका में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है और जो हम लोग उनके पत्रों में, उनका अगर आप पत्र देखेंगे आप, मैं मुझे बड़ा आश्चर्य गर्व हुआ कि एक कहा कि गांव की लड़की जिसने पढ़ लिख लिया है और वो आज मास्टर भी है, एक गवर्नमेंट स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है, आश्रम चलाती है, ना सुंदर चुभने वाला पत्र उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है। तो ये जो आवाज उठ रहा है उसको उन लोग इस तरह से निर्ममता के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ जो औरतें बैठी हैं और जो पुरुष भी बैठे हैं, आपको मालूम है क्या अर्थ होता है कि हमारे यौवन पे पत्थर डालना, हमारे मतदान पत्थर डालना, हमारे उंगलियों को इलेक्ट्रिक्यूट करना के काला कर देना, तो मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर है। और इसलिए आज हम मांग कर रहे हैं कि रमन सिंह सरकार जो है इसको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, इसको रिजाइन करनी पड़ेगी। हम लोग एक पत्र भेज रहे हैं गवर्नर को कि आप इस सरकार को जो है बर्खास्त करिए, आदिवासियों को जुड़ के अपराध पर